हेलो एवरीवन, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने फोरियर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। फाइंड द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू ई की पावर टी, टी लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई विद एफ टी प्लस 2 पाई इक्वल्स टू एफ टी। इसका मतलब क्या, ये जो लाइन लिखी है मैंने, एफ टी प्लस 2 पाई इक्वल्स टू एफ टी, इसका मतलब क्या है? ये जो सिग्नल है हमारा एफ टी 2 पाई से पीरियोडिक है, ठीक है। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ गई, कैपिटल टी की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से कितनी मिल गई मुझे, 2 पाई कैपिटल टी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हम यहाँ ओमेगा नोट की निकाल लूँ मैं, इसको यह टी नोट कह लूँ। ओमेगा नोट कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी नोट, यानी 1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब निकालना हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो एक्सपोनेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं एक बार बता दूं। एफ टी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर पीरियोडिक फंक्शन है, के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी के ई की पावर जे ओमेगा नोट के टी से, ठीक है। हमें सी के की वैल्यू फाइंड करनी है, सी के की वैल्यू निकालते हैं। तो सी के हो जाएगा 1 अपॉन, पूरे पीरियड पे निकालते हैं, ठीक है, एफ टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के टी डी टी होती है सी के की वैल्यू। तो हमें पीरियड पता ही है कितना है, इसका पीरियड 1/2 पाई, तो निकालो इसका 1/2 पाई 0 से 2 पाई, यहाँ एफ टी की वैल्यू लगाओ कितनी है, ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे 1 लगा दी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, के टी डी टी, इसको मैं कैसे लिख लूँगा, तो सी के मेरा आ गया 1/2 पाई 0 से 2 पाई ई की पावर में 1 कॉमन जे के टी डी टी। इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, e की पावर 1 माइनस जे के टी बाय 1 माइनस जे के। जब मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा, इसको मैं अलग कर लिया, 1 माइनस 2 पाई 1 माइनस जे के को मैंने अलग कर लिया, लिमिट लगाता हूं मैं, e की पावर 1 माइनस जे के 2 पाई माइनस टी की जगह 0 रखूँगा तो ई की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, सी के इक्वल्स टू 1/2 पाई 1 माइनस जे के, इस 2 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा और अलग अलग कर लो, तो ई की पावर 2 पाई मल्टीप्लाई हुआ ई की पावर माइनस जे 2 पाई के माइनस 1, ई की पावर माइनस जे 2 पाई के की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना बचेगा टोटल, यहाँ पे बचेगा ये e की पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन 2 पाई 1 माइनस जे के। तो e की पावर 2 पाई माइनस 1 की कुछ वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 2 पाई, वो आएगा 85.06 1 माइनस जे के। ये आ गए मेरे सी के की वैल्यू, ठीक है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या आ गया मेरा, सी के की वैल्यू उठा के मैं सीधा यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरा एफ टी जो आ गया वो आ गया कितना आ गया, समीशन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी के की वैल्यू आई है ये 85.06 1 माइनस जे के ई की पावर जे ओमेगा नॉट की वैल्यू ऑलरेडी बनती ओमेगा नॉट जे ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 के टी, ठीक है। ये इसका मतलब हम एफ टी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। और आगे पूछा है हमसे एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है प्लॉट ऑफ मोड ऑफ सी एन वर्सेस एन ओमेगा नॉट, ठीक है। सॉरी यहाँ सी के कर लो, मोड ऑफ सी के वर्सेस एन ओमेगा नोट, ऐसे ही ये जो होता है फेज स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा
वो होता है प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ सी के वर्सेस एन ओमेगा नॉट. अरे यहाँ पे के कर लो, हम के में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे के कर लो, के ओमेगा नॉट. ठीक है, तो इनके बस हमें क्या करना, ग्राफ बना देना इसका. हमारा सी के हमारे पास ऑलरेडी आ चुका, सी के की जो वैल्यू है कितनी है 85.06 अपॉन 1 माइनस जे के. हमें चाहिए उसका मोड. अगर मैं इसका मोड निकालता हूँ तो मोड ऑफ सी के क्या आएगा मेरा 85.06 अपॉन नीचे वाले का रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और ये माइनस के का स्क्वायर करूँगा तो के स्क्वायर. ठीक है, इसका एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ सी के इसकी वजह से कितना होगा ऊपर, ये तो कॉन्स्टेंट पार्ट है तो उसकी वजह से 0 डिग्री. ठीक है, नीचे कितना आएगा 1 माइनस, तो ये आ जाएगा कितना टेन इनवर्स माइनस के अपॉन 1. ये आ गया कितना, ऊपर तो 0, यहाँ पे कितना हो चाहे ये माइनस बाहर आ गया टेन इनवर्स के, ऊपर जाके एंगल पॉजिटिव हो जाता है माइनस हो जाता है. ठीक है, माइनस ये ऑलरेडी नीचे है तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है टेन इनवर्स के. तो हमारा एंगल ऑफ सी के कितना आ गया टेन इनवर्स के. ठीक है, दो चीज़ें चाहिए थी हमें, मोड ऑफ सी के आ चुका और एंगल ऑफ सी के आ चुका है. इसी पार्ट को मैं नेक्स्ट पे करता हूँ. ठीक है, एक मिनट, दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, सी के और मोड सी एंगल उसका. बस इन्हीं का ग्राफ बनाने को ही कहते हैं हम फेज स्पेक्ट्रम और एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम. तो मैं यहाँ पे देखो के की वैल्यू डालूंगा डिफरेंट, मैं टेबल बना दे रहा हूँ. यहाँ पे निकालूंगा मैं मोड ऑफ सी के, जिसकी वैल्यू है कितनी 85.06 अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस के स्क्वायर. यहाँ पे निकालूंगा मैं उसका फेज जो एंगल सी के है कितना टेन इनवर्स के. ठीक है, के की वैल्यू डालना शुरू करो. के की वैल्यू मैंने 0 डाली, के की जगह 0 डाली तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 0 तो 85.06 ही रह जाएगा. ये टेन इनवर्स 0 ही होता है वो, यानी 0 डिग्री. 1 डालो, ये कितना हो जाएगा 85. रूट टू से डिवाइड हो जाएगा इसमें. अगर मैं रूट टू से डिवाइड करूँगा तो वो आएगा मेरा 60.15. टेन इनवर्स वन कितना होता है 45 डिग्री, ये तो पता ही है. अगर मैं के की जगह 2 डालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5, यानी रूट 5 से डिवाइड 85.06 में, ये आएगा फिर 38.04. अगर 10 इनवर्स 2 की वैल्यू होती है 63.43 डिग्री. ऐसे 3 डालो, 3 पे क्या मिलेगा मुझे, 3 अगर मैं डालूंगा तो रूट 10 से डिवाइड होगा, रूट 10 से डिवाइड होगा तो वो आएगा 26.89. एंगल आएगा इसका 71.56 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही अब कुछ नेगेटिव वैल्यू डाल लो, ऐसे ही और भी डाल सकते हैं, 4 5 6 जहाँ तक आपका मन करे. मैंने 3 तक डाले हैं. ठीक है, तो -1 अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे ये अगेन रूट 2 ही रहेगा, यानी इसके जैसा ही एम्पलीट्यूड आएगा 60.15. यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 में डालूंगा 10 इनवर्स -1 -45 डिग्री. -2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होने वाला है माइनस डालने से, एंगल बस नेगेटिव होता चले जाएगा और कुछ नहीं है. एक और डाल लो ऐसे ही, ये आ जाएगा कितना 26.89. और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा -71.56 डिग्री. ये इतना बना लिया. अब क्या करते हैं, इनका ग्राफ बनाते हैं. बस इनका देखो, पहले एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाता हूँ मैं. ये होता है मोड इसका ग्राफ. यहाँ लिखते हैं हम के ओमेगा नोट और यहाँ लिखते हैं मोड ऑफ सी के. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देखना, पहले लिखा 0 1 2 3, ऐसे 100 आगे भी चलते चले आएंगे हमारे, मैंने जहाँ तक लिखे हैं
वहां तक के मैं लिख लूंगा। अब यहां पे देखो, ये k को टू 1 और माइनस 1 क्या बता रहे, प्लस ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। ऐसे 2 और माइनस 2 क्या बता रहे, ये प्लस 1 और माइनस 1 क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, माइनस 2 और प्लस 2 सेकंड हार्मोनिक, ऐसे ठीक है। इनका मतलब ये, अब देखो 0 पे मैग्नीट्यूड कितना, 85.06, तो 0 पे इसका मैग्नीट्यूड है 85.06। नेक्स्ट 1 पे और माइनस 1 पे सेम है 60.15, मैंने बना लिया, कहीं यहाँ पाएगा 60.15। ऐसे माइनस 1 पे भी इतना ही है 60.15। 2 पे कितना, 38.04, 38.04, यहाँ माइनस 2 पे भी इतना ही है 3 पे कितना, 26.89, वो और छोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये इतना बन जाए 26.89, ठीक है। ऐसे ही आगे भी चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो फिलहाल इससे समझ लो, ये होता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। फेज स्पेक्ट्रम क्या होता है फिर, ऐसे इसका ग्राफ बनाएंगे, एंगल ऑफ सी के यहां पे फिर के ओमेगा नॉट, अगेन ऐसे लिख लेंगे 0 1 2 3, ऐसे इस टाइप से नंबर, -1 -2 -3, ठीक है। ये प्लस माइनस 1 क्या बता रहे, फर्स्ट फंडामेंटल हार्मोनिक का फेज, ऐसे सेकंड वाले सेकंड हार्मोनिक का फेज, ठीक है। देखो 0 पे, 0 पे तो 0 डीसी टर्म होता है, एंगल तो नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ पे 0 आया होगा, 0 डिग्री आ रहा, तो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एंगल, ये हो गया यहीं पे 0 डिग्री, ठीक है पहला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1 पे 45 डिग्री और -1 पे -45 डिग्री, 1 पे 45 डिग्री और -1 पे -45 डिग्री। 2 पे देखो ऐसे ही, 2 पे कितना 63.43, ऐसे ही -2 पे वो नेगेटिव हो जाएगा, बस आपका 63 पे बना दो 63.43, और 2 पे बनाया मैंने -63.43 डिग्री, ठीक है। 3 पे कितना 71.56, 71.56 डिग्री, ऐसे अगर यहाँ पे 3 पे बनाएंगे तो कितना मिलेगा मुझे, -71.56 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगा, तो ये हो गया हमारा फेज स्पेक्ट्रम। देखो टेन इनवर्स का जो हम फंक्शन बनाते हैं, टेन इनवर्स का जो ग्राफ बनाते हैं वो इसी टाइप का होता है, जो हमारे फोरियर सीरीज से भी एग्जैक्टली कुछ कुछ ऐसे ही आया, ठीक है, इस टाइप का ही होता है एकदम। अगर मैं इसको मिला दूँ इनके एंड पॉइंट को, इस टाइप से, इसी टाइप से होता है इसका, ठीक है, बिल्कुल एस एस एफ होती है उसी टाइप का, देखो आया भी है, तो इसका मतलब फोरियर सीरीज से हमने जो निकाला वो ठीक है, ठीक है। तो ये फेज स्पेक्ट्रम हो गया, एंगल एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम भी बना दिया, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे अभी और। ओके, थैंक यू।